हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, अब नए दिन की तो शुरुआत हो गई और नया दिन भी हो गया, पर रात कहाँ थे, हम गायब थे, हमें तुम्हें कुछ पता ही नहीं है हमारे साथ हुआ क्या है, कैसे क्या सीन हुआ। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि जब हम सियाचिन से निकले थे और सियाचिन आर्मी बेस कैंप में अंदर जाते हैं, हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दी थी, सारी नहीं डाल पाया, उस चीज़ के लिए मैं आपसे मांगता हूँ जी सॉरी। क्योंकि देखो हर चीज़ आर्मी की परमिशन, मतलब हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई थी, पर आर्मी ने इतनी भी परमिशन नहीं दी थी कि हम वीडियोस बना पाएँ। छोटी छोटी क्लिप बना ली थी, वो मैंने डाल दी थी जैसे कल के व्लॉग में। फिर हम निकलते हैं सियाचिन से, हमें वहीं पर सियाचिन में ऐसा हुआ, खाना वाना खिलाया आर्मी, अंदर ही आर्मी ने खाना वाना खिलाया, थोड़े से गिफ्ट दिए, एक पेटी पूरी भर के लाइक जूस और उन चीज़ों की दे दी भाई साहब के, लो ऐश करो। फिर हम वहाँ से सियाचिन से 6 या 5 बजे के आसपास निकलते हैं, 9 साढ़े 9 बजे खलचर पहुँचते हैं। लकीली हमें पेट्रोल पम्प जो है वो मतलब खुला हुआ मिलता है, जबकि अभी आप वीडियो में देखोगे उसकी सब मेरे पास क्लिप्स हैं, वो मैं आज डाल रहा हूँ। और ऐसा होता है जब हम खलसर पहुँचते हैं तो मुझे लगा कि खलसर में जाके गेस्ट हाउस मिल जाएगा, सुमूर जहाँ हम लास्ट रुके थे वहाँ पे हम रुके नहीं कि आगे चल के ले लेंगे गेस्ट हाउस, और वहाँ पे कोई गेस्ट हाउस खाली ही नहीं था, सब भरे हुए, या तो हमें जाना पड़ता फिर खारदुंगला होते हुए ले, जो कि था कुछ 148 किलोमीटर और 178 किलोमीटर थी पेंगोंग लेक खलसर से, यानी नूबरा वैली का जो वो चौराहा है और वहीं पर ही पेट्रोल पम्प लास्ट पड़ता है। डिस्किट में जाकर जब डिस्किट जाते हो तो वहाँ तो मिल जाएगा, यानी थांग विलेज वाले रास्ते पर तो वहाँ भी एक पेट्रोल पम्प है, पर यहाँ पर खलसर पर लास्ट मतलब एक तरह आया है, वहाँ पे आपको एक ही पेट्रोल पम्प मिलेगा। अब होता क्या है, वहाँ से हम ले लेते हैं लोकल्स की बात मान के एक लोकल रास्ता, कि यहाँ से आप आ जाके हाईवे पे, पहले इधर से जाते हैं वहाँ बंद मिलता है हाईवे, वापस आते हैं रिटर्न, पता नहीं मेरे को खुद याद नहीं है क्लिप्स हैं या नहीं है, अभी एडिट करने बैठ रहा हूँ तो स्टार्टिंग थी नहीं, मैंने सोचा मैं अपने एज ए क्लिप करके आपको सारा कुछ बता देता हूँ क्या सीन हुआ। फिर हम रात में पेंगोंग लेक पहुँचे हैं और पेंगोंग लेक से भी हम आगे निकल गए हैं, लुमूर कुछ एक जगह है ना, लुंगूर या लंगूर कुछ ऐसे करके, जहाँ पे हम रुके हैं, मतलब हम वहाँ नहीं रुके, हम तो मान विलेज में रुके हैं। तो ऐसा होता है हम आगे निकल जाते हैं और वहाँ पे एक या तो CRPF का जवान था या पता नहीं, उन्होंने वो भी मतलब ऐसा था नए आए थे वहाँ पे है ना, तो उन्होंने सोचा आगे जाने की परमिशन है सिविलियंस को, पर वहाँ पे ऐसा था उस रास्ते पे आगे जाने की परमिशन अब बंद कर दी है, पहले एक दो थार वालों ने जाके वहाँ पे शॉर्टकट निकल के लेके निकल गए और उनका फिर एक्सीडेंट हो गया, इसलिए फिर आर्मी ने वहाँ पे बंद ही कर दिया, 2 जगह बंद कर दी। एक और था जो हम मिस करके आ गए, एक मैनमिक पास कुछ ऐसे करके है, जो कि वो भी मतलब हाई पासिस में से आता है, वहाँ भी आर्मी ने हमें नहीं जाने दिया। फिर हम वहाँ से वापस आए और अब वीडियो देखो, बाकी हम सेफ हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कीप सपोर्टिंग हम। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कोई वीडियो देख रहा है और जो भी कोई ये देख रहा है कि भाई लद्दाख कैसे क्या करना है, भाई सारे जाके व्लॉग देख लो, सारे का सारा कुछ डाल रखा है, मेरा मत देखो, सिर्फ व्यू देखो और रोड्स देखो, एकदम मस्त बनी हुई है, गाड़ी बाइक कोई दिक्कत नहीं है, बस कहीं कहीं छोटे छोटे पैच खराब है, बाकी अब एंजॉय करो, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है व्लॉग की। भाई ये देखो यहाँ पर सैंड ड्यून्स है और यहाँ पे कैसे उठ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हवा की वजह से ना टोर्नेडोज बन रहे हैं, बाकी ये देखो कैसे धूल उठी पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मौसम खराब हो गया है, बादल बादल नहीं जी, यहाँ पे जो रेत रोड होता है ना, रेत रोड रहा है ऊपर, भाई शब्बास। और भाई अभी हम आ चुके हैं, मतलब वापस आ रहे हैं, तो पैनमिक पड़ेगा, फिर जहाँ पे हम चम्बूर में रुके थे वो पड़ेगा, बाकी ये चेकआउट करो, मतलब ऐसे यहाँ का मौसम चेंज होता है नूबरा वैली का, आपने ये धूल ही देखी होंगी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में, आज हमारी में भी देख लो, और बाकी आज का तो तुम्हें पता ही है सिस्टम सेट हो गया, अब बाकी ये भी देखने को मिल गया कि हाँ जी ये होता है नूबरा वैली में। तो अभी भाई रात हो चुकी है और टाइम हो गया 7-7 बजे, यहाँ पे रात हो जाती है, और ये जो सिटी दिख रही है ना, ये डिस्किट है, और ऊपर जो लाइट दिख रही है ना, वो ऊपर वाली जो 2-4 खंबे के एकदम ऊपर टॉप पे, वो डिस्किट मोनेस्ट्री है, बाकी यहाँ से खलसर 17 किलोमीटर बचा है,
17 ये, और लगभग थोड़ा सा और आगे, मतलब कोई भी अगर वहाँ पे मतलब सिटी या कुछ भी होगी वो पूछ लेंगे वहाँ खलसर में जाके, वहाँ रुक जाएंगे, मतलब आध घंटा और चलाने वाले हैं गाड़ी। बाकी यहाँ पे समूर में हम रुक, अभी मतलब मैं समूर में हूँ जहाँ पे रात रुका था, जहाँ पे वो ये दोनों नेटवर्क्स थे। बाकी यार ये मैं 15 Pro से शूट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही देखो जूम आउट कर रहा हूँ, अभी देखो अंधेरा है और देखो जूम करूँगा भाई शब्बाश, अलग ही है इसमें तो। ये वाला फीचर तो आज पता चला हमें, गलत दे दिया ठीक है हमने तो। हनुमान आरती हो रही है बाहर, कहाँ वहाँ पे आर्मी का कैंट है ना, वो आरती हो रही होगी। हाँ देखो जैसे मैं जूम आउट करा 2x पे, इसमें एकदम लाइट हो गई, देखो अंधेरा दिख रहा है। ये तो अलग ही सही है सिस्टम है यार। कैसे? ये देख यहाँ पे अंधेरा, टावर ना दिख रहा ना, ये नाइट मोड है इसमें। बाकी जी अभी सिर्फ 1/2 घंटा और चलानी है गाड़ी, 1/2 घंटा या 40 मिनट के आसपास सही सा गेस्ट रूम मतलब गेस्ट हाउस देख के रुक जाएंगे। बाकी रुकने को यहाँ भी रुक सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे कवर अप कर लें, फिर सुबह सुबह जल्दी वो पेंगोंग पहुँचना भी है तो अच्छे से हो जाएगा, मतलब वो भी क्योंकि यहाँ से कम 150-200 किलोमीटर के आसपास है पेंगोंग लेक, तो इस वजह से देखते हैं हम क्या करते हैं। बाकी अभी 7:30 बजे हैं बस, ऐसे चलाने को 8 बजे तक भी चल सकते हैं, क्योंकि कल भी हम 8:30 बजे तक चले हैं, है ना 8:30 बजे तक चले ना। चल मतलब गेस्ट हाउस तो 8:30 बजे ही पहुंचे, वहाँ पे रुके रहे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी बाकी पहुंचते हैं बस ये और हो जाए कवर अप। और अभी भाई खलसर पहुंच चुके हैं और 1800 रुपये का, नहीं अभी शायद भर रहा है, हो गया शायद 1801 या ना अभी रह गया। बाकी खलसर पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी को लेके, और अभी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना तेल और किलोमीटर्स चले हैं, 1850 रुपये अभी और होगा क्या, चलो देखते हैं जो भी है। बाकी ये खलसर वाला टी पॉइंट पे है, इधर से अगर जाते हैं जैसे वो देखो वो गाड़ी जा रही है ना वहाँ पे उस यचिन ग्लेशियर के लिए, इधर से वहाँ जो गाड़ी आ रही है वो थांग के लिए, और यहाँ से जब इधर की तरफ निकल जाएंगे सीधे यहाँ पे, हाँ यहाँ से थांग वो यहाँ से ले के लिए निकल जाएंगे और सीधा इधर के लिए पेंगोंग के लिए। बाकी अभी थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर बता रहे हैं आगे चलना, और हम बीच में जाके कहीं रुक जाएंगे क्योंकि हमें निकलना पेंगोंग, और यहाँ से पेंगोंग जो है वो 200 किलोमीटर है। बाकी गाड़ी तो देखो बल्कि लग रही है, आए हाय मज़ा ही आ गया। बाकी थोड़ी बहुत ही थकान है, बाकी सब मज़ेदार है क्योंकि आज इतना स्पेशल हो गया। हाँ यहाँ पर जो फ्यूल आया भाई वो 1850 का आया, यानी जो हम सियाचिन गए डिस्किट से फुल कराई थी, और अब यहाँ आके देखते हैं कितने किलोमीटर होते हैं और बाकी आपको बताते हैं इसने अभी इस वाली रोड पर कितना एवरेज दिया। बाकी तो ओडोमीटर में 11 तक पहुंच गई थी और उधर तो 10 ही रही थी, मतलब थांग की तरफ, ये देखो 11.1 पहुंच गई। बाकी 10-15 किलोमीटर और चलते हैं, और ऐसे तो पेंगोंग देखो यहाँ से 226 है, 26 कर ले रहे हैं, कल सुबह कर लेंगे 200 किलोमीटर। मैं दूसरे रास्ते दिखा रहा हूँ, ये इधर से दिखा रहा है 226, मैं तो इधर जाना है ना 218 है, 226 इधर से क्यों दिखाएगा, यहाँ थान थोड़ी जाना है हमें, रास्ता ये वाला दिखा रहा है उधर से जाना, खाई क्या ये वाला दिखा रहा है। यहाँ पर टी पॉइंट है, भाई ये चेकआउट करो, छोटा सा पुल है और ये पेंगोंग लेक के लिए रास्ता लिया है खलसर से, मतलब एक रास्ता और है आगे जाके, बाकी वो तो बंद है पिछले 1.5 साल से क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाकी हमें एक ये रास्ता बताया गया यहाँ के लोकल से, मतलब खलसर एक गांव पड़ता है, ये जो पीछे दिख रहे हो ना ये सिटी लाइट जो दिख रही है ये गांव है खलसर, और यहाँ से ये पुल पड़ा है, और बिल्कुल इतना छोटा पुल है मतलब के बस गाड़ी गाड़ी आ चलेगी कैसे भाई साहब, मतलब और पानी की आवाज़ इतनी बुरी आ रखी है ना यार, थोड़ा सा जब ये बनाया था थोड़ा सा और चौड़ा बना देते हैं छोटू भाई साहब, ये भी एडवेंचर अलग ही अलग हो रहे हैं यहाँ पे भी खतरनाक। बाकी हमारी सबसे छोटे पुल पे निकलेगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बस ये लगा लो गाड़ी आ रही है बस इसमें अंदर, बाकी अगर दिन में आते तो एंट्री भी ना करता मैं, सच बता रहा हूँ। बाकी रात में तो ये है कि आराम आराम से निकाल लूँ,
निकल रही है, क्योंकि बोलो ये वाल ये मान लो बाइक के लाया गए हो, आगे अभी एक गाड़ी तो आई थी इधर से, अभी छोटा हाथी टाइप था वो गया है, बाकी चलो देखते हैं क्या कैसे रहता है बनता है। और जो नीचे बह रही है ना रिवर, वह सायोक रिवर, अलग ही चल रहा है भाई साहब सिस्टम। बाकी रोड बता रहे थे एकदम ठीक है, कोई दिक्कत ना है, आराम से चले जाओ आप, बाकी देखते हैं कितनी ठीक कितनी बढ़िया है। आगे सिटी भी बता रहे हैं 20-25 किलोमीटर आगे, वहाँ पर रुजाना आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। रोड तो देखो दिखने में ठीक लग रही है भाई साहब, एडवेंचर रोड तो क्या भाई बुरे फंसे, मतलब हम सियाचिन गए थे, वहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब इतनी ज़्यादा वाइब आ गई वहाँ पे, हम सिर्फ 10-15 मिनट मतलब घंटा भर रुकना था, हम वहाँ रुके 5 घंटे। अब उस 5 घंटे के चक्कर में अब खलसर में एक दो ही वो थे गेस्ट हाउस, वहाँ पे वो फुल थे, बाकी हमें या तो फिर पीछे वापस ही जाना पड़ता नमूर में जहाँ पे हम रुके थे रात, या फिर हमें जाना पड़ता इधर की जगह, इधर की तरफ दिस्कट की जगह। अब हम ले भी नहीं जा सकते थे, और हमें जाना था पेंगोंग, अब हम पेंगोंग वाले रास्ते पे जो मेन हाईवे है उस पे निकले, और हमें वहाँ आगे जाके पता चला कि भैया वो जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, पीछे जाके खलसर में रिवर क्रॉस करके हमें ये वाला रास्ता आना पड़ेगा जो कि तुमने अभी वीडियो में देखा। अब हम उसी रास्ते पे हैं, और आगे रास्ता देखो कैसा है भाई, बुरे फंस चुके हैं। बाकी भाई ये 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये एक पुल सा पड़ा है यहाँ पे राइट, और यहाँ पे ना एक पॉइंट है मतलब जो एक हमें उस वाली रोड से कनेक्ट करेगा शायद, बाकी पता नहीं अभी, ये और देख लें अगर यहाँ से कुछ ठीक लगा जाना आगे को सेफ लगा तो हम आगे निकलेंगे। ये गांव है रोंगड़ू बोंगड़ू करके है, पता नहीं क्या है, बाकी आगे पुल दिख रहा है एज सेम एज जैसे वो था वो वाला पुराना वाला मतलब सॉरी पीछे वाला। अभी मतलब यहाँ पे गांव तो है पर यहाँ पे कोई नहीं रहा, सब बंद पड़ा है, पीछे घर वर जो थे देखे सब बंजर थे। बाकी मेरे को ना बहुत दूर से मतलब जो मैं बहुत पीछे था, एक यहाँ आसपास कहीं से एक लाइट जलती चली दिख रही थी, वो कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी बाकी भाई पता नहीं क्या सिस्टम है भाई साहब, तो पुल भी खतरनाक सा दिख रहा है, ये गूगल मैप पे है नहीं है ना, मतलब रोड वो नाली लाइट होता है, रोड तो एक आध दिख रही है, वही ये शायद वही वाली लाइट दिख रही, ये वाला बाकी तो बना रखा, चलो। बाकी ये पुल है पर ये हाँ मतलब इस पे नहीं है भाई साहब, पीछे से ये बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, मतलब लाइक ये जो यहाँ पे झंडे से बंध रहे हैं ना, ये झंडे से ऐसे लग रहे पता ना कौन उड़ रहा है इनमें अगला टक के। बाकी अभी उसी हाईवे पे जो कट जहाँ से हम वो हुआ है उस पे वापस आ गए, और आके देखते हैं अब क्या सिस्टम बनता है। अब ये जो पीछे कह रहा था कि भाई आगे से जाना पड़ेगा तुम्हें, वो उसी रास्ते से हम आ गए, आगे हाईवे मिल गया है, अब चेकआउट करते हैं इस रास्ते पर जा पाएंगे या नहीं। आगे एक लाइट और जल रही है, और अगर उसने मना कर दिया भैया ना जा पाओगे वापस से इसी रास्ते से, वापस इसी सेम रास्ते से वापस जाना पड़ेगा, फिर हमें या तो सीधा हमें ले लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें कल का भी दिन खराब नहीं करना है अपना, क्योंकि वैसे ही 9:30 तो बज गए हैं, बाकी ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है ऐसे कि भैया ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि हम कल भी शाम तक अपनी गाड़ी चलाई है हमने। बाकी भाई साहब वो वहां से हम रिटर्न हुए थे, और अब ये हाईवे मिला है, बाकी बना हुआ था यार सही दिख रहा है। लाइट बंद करो ऊपर वाली, पेंगोंग के लिए चले जाएंगे ना भैया, सही रास्ता है ना? हाँ हाँ, नहीं थोड़ा सा कच्चा है तो बाद नहीं, वो तो कोई दिखने में चले तो जाएंगे ना। हाँ हाँ, वैसे तो सेफ है ना आगे? नहीं नहीं सेफ है, आगे गांव मिलेगा भाई। यहाँ पे एक बोर्ड है बीआरओ का, उसमें पेंगोंग लेक जो है 109 किलोमीटर दिख रही है, और जो हमने यहाँ पे लगाया है वो 188 किलोमीटर बता रहा है। बाकी यहाँ से रोड पैच ठीक है, मतलब हमें आसानी होगी आगे तक जाने में, बाकी
जब हम खलसर से इधर की तरफ मुड़े थे ना, तो यही नाम बोला था कि अगम में आपको होटल मिल जाएंगे या गेस्ट हाउस, वहाँ पे चेकआउट कर लेना, बाकी 30 किलोमीटर बाद मिल जाएंगे। बाकी देखते हैं चल के अब क्या सीन बनता है। बाकी ये समझ में ना आया पेंगोंग लेक, यहाँ पे ऊपर 109 और यहाँ पे 188। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो ट्रिप भी है इसे ना मैं वो कर लेता हूँ, ये जो ट्रिप भी है इसे मैं कर देता हूँ ज़ीरो, क्योंकि इसमें मैंने दोनों ही ज़ीरो कर दी थी वहाँ से, और अभी तक हमारी गाड़ी चली है 1771। अब इससे यहाँ से देखेंगे पेंगोंग जो है वो कितने किलोमीटर पड़ेगी, ठीक है। देखो तुम्हारे सामने मैंने अभी ये ज़ीरो करी है ट्रिप भी, और ट्रिप ए 1771, ट्रिप बी ज़ीरो, ठीक है। अभी मैं यहाँ से बताऊँगा कि तुम्हें मतलब अगर जैसे इस रोड से या कैसे भी है तो कितने किलोमीटर पड़ेगी। अब डिस्कवर करने निकले हैं, एक्सप्लोर करने निकले हैं, तो द एक्सप्लोरर नितिन चौधरी, वो रोड की नए रोड की खोज करी है भाई मैंने। गर्व तो सा हो रहा है, मतलब रोड पे आके तो शांति से मिल जावे, जब रिवर में बीच रोड बेकार भाई वहाँ पता क्यों हो वह कि यार बाई चांस टायर में पंचर हो जाए, सो ब्यादा हो सकती है, वहाँ पर रुकना पड़ेगा आगे, मतलब ऐसे टायर पर चला नहीं सकते, अलॉय व्हील खराब हो जाएगा, फिर टायर बदलने उतरना पड़ेगा, तो मतलब लाइक दिमाग में आ जाती है ना सो चीज़ें। बाकी अभी चलते हैं आगे, अब देखते हैं, अब यहाँ पे तो मस्त रोड बनी हुई है, बाकी वो तो नहीं करा फोर लेन बना रहे हैं, तो अभी तो टू लेन मतलब सिंगल लेन ही है, कहाँ से बननी है। बाकी यार ये रास्ता देखो, अब पता ना हमें लेके जाएगा या फिर वापस भेजेगा, अगर वापस आ गए तो भी फंसे, मतलब सिस्टम समझ में ना आ रहा चल क्या रहा है, मतलब ऐसी कोई मतलब लाइक ऐसी कोई ट्रिप ना हुई। मैं भी ये सोच रहा था और इन दोनों से बोल रहा था कि भैया मेरी एक ऐसी ट्रिप नहीं हुई जिसमें मेरे को रात में ना चलना पड़ा हो। देखो जब मैं शुरुआत में ट्रिप स्टार्ट करी थी, जब मैं गया था कन्याकुमारी, भाई हमारी काफ़ी सारी ट्रिप्स थी जो कि हमारी रात मतलब सॉरी काफ़ी सारी ट्रिप कह रहा हूँ, उस ट्रिप के बीच में काफ़ी सारी नाइट राइड हुई, ऐसे ऐसे रास्तों पे गए, मतलब ऐसी खतरनाक रास्ते थे, ज्यादा ही एडवेंचर हो गया, एडवेंचर करने का मुझे ज्यादा शौक है ना वो वाली चीज, तो आज वाइब लेने के चक्कर में एडवेंचर आ गए अपने हाथों में। बाकी जो कन्याकुमारी वाली थी उसमें हुए एडवेंचर, फिर गोवा गया, गोवा में दूध सागर पहुंचे थे हम लेट, फिर और ज्यादा लेट हो गए क्योंकि हमें दूध सागर वाटरफॉल देखना था, वहां से हम सुबह 4-5 बजे आए हैं वापस गोवा में जहाँ पे हम रुके हुए थे, पता ना कौन सा बीच था वो, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा पता नहीं कौन से गोवा में, तो आए थे वापस। अब ऐसे ही यहाँ पे ये मिल गया है, बस रोड दिख रही है, रोड भी कहाँ है, रोड ही पड़ी है, बस हल्का सा मतलब रोड बनाने की कोशिश करी गई है, पीछे एक बोर्ड सा लग रहा उस पर लिख तो नहीं रहा कि ये जो रोड है वो 10 किलोमीटर की है और डेवलपमेंट करेगी ये BRO या पता ना क्या, भाई साहब ये डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। अब रोड में खतरनाक डर सा भी लग रहा है, ऊपर जो ये पहाड़ से दिख रहे हैं, पहाड़ों में एक आध पत्थर ऐसा लगा जैसे साला कोई खड़ा दिखे। तो भाई एक चौराहे पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे मतलब लेवे और वरीला पास ये क्या शक्ति वक्ति पता नहीं, शक्ति 62 पेंगोंग के लिए इधर जाना है हमें, सायोक रिवर है, दुर्बुक 63-45। चलो जी अभी हम यहाँ पे निकलते हैं, ये देखते हैं रास्ता, ओए होए शाबाश। बाकी भाई ये यहाँ पे थोड़े मोटे कुछ बने हुए हैं, सब बंद पड़े हैं, वरना किसी की आत्मा ना कुछ, ना आदमी ना आदमी की जात, ऐसे कह मैं ना कुछ है ना है? भाई साहब सब वही है ना, यहाँ पे गांव है, ये क्या है अगम, उसमें जाकर नीचे सो लिए होंगे और अपना ये बंद करके निकल लिए होंगे, क्योंकि यहाँ के ऐसे ही करते हैं लोग, मतलब अपने नीचे घर में जाकर सोते हैं। बाकी रोड तो यहाँ की सही है अभी तक, तो आज रात की नाइट राइड हो गई है, रात की नाइट राइड, देख रहा क्या क्या निकल रहा मुंह में से, रात की नाइट राइड। भाई 65 किलोमीटर आगे आने के बाद में मैंने गाड़ी अपने छोटे भाई को दे दी थी और मैं थोड़ा पीछे लेट गया था, मतलब नींद सी आ रही थी। बाकी अभी इसे उठाया हूँ, मेरे को उठाया है, पता रोड ऐसी आ चुकी है, मतलब
सोचा नहीं था, मतलब इतनी खतरनाक रोड आ जाएगी, मतलब इतनी बढ़िया रोड, मतलब खतरनाक इन द सेंस इतनी बढ़िया रोड। ये देख लो कि मतलब लाइक क्या चल रहा है। ये पैंगोंग लेक तक ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि अब देखो यहाँ पे ना 34 किलोमीटर है 38 मिनट में पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे सिर्फ हम। बाकी अगर हम दिन में आते तो शाम कर देते हैं यहाँ पे आने तक, बाकी हम थोड़ी सी देर में आधे घंटे में पैंगोंग लेक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इधर का एरिया जो है वो बन गया है और पीछे वाला बन रहा है, इस वजह से वहां पे मतलब ये वाला जो रास्ता है वो रोका हुआ है पीछे से। बाकी जो क्या सेम, हाँ बिल्कुल ऐसे बनेगा, सीधम छाट आएगा कोई भी जो भी है ये, मतलब जो वहां से नूबरा वैली से यानी खलसड़ से पैंगोंग लेक के लिए मतलब इतना शानदार हाईवे बनने वाला है ये जो है रास्ता। इधर तो बन चुका है, बीच बीच में ये भी बन चुका है, मतलब ऐसे मतलब नीचे रोड जो है कंक्रीट वो बिछ चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। वो बता रहे थे जब हमने एंट्री करी थी कि भैया 1.5 साल से बन पड़ा है, मतलब यहाँ से बाकी थोड़े दिन में बन जाएगा ये जो अब 4 लाइन बन रहा है, मतलब वो कह रहा था। बाकी यहाँ देख के तो वही पता चल रहा है कि इतना ही बनेगा, हाँ मतलब 4 लाइन कैसे बन जाएगा। बाकी तो चलो वो तो बनाने वालों के ऊपर है, बन शायद बन भी रहा हो, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। बाकी पैंगोंग पहुंचने वाला है।